आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। चौकी इंचार्ज घूस देते पकड़ा गया, एंटी करप्शन टीम के पकड़े जाने पर रोने लगा, एफआईआर के नाम हटाने के दिए पैसे भी देने लगा। पीलीभीत में डॉक्टर से युवक ने की ठगी, खुद को बताया बिजली विभाग का अधिकारी, 1,57,000 रुपए खाते से निकाले। अमरोहा के डीएमसी चालक की सड़क हादसे में मौत, आम लेकर जा रहा था कोलकाता ट्रक से टकराया एसडीएम। बिजली किल्लत से परेशान हुए लोग, एसपी विधायक घेरे गए, चेयरमैन के खिलाफ हुई नारेबाजी, 4 दिन से नजीराबाद में नहीं आई बिजली। सड़क पर पड़े गड्ढे ने किया पौधारोपण, बारिश से सड़कें हुई खस्ताहाल, कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की मांग। मेरठ में दिन निकलते ही पुलिस बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 1 मौके से फरार, घायलों में 1 शरद गोस्वामी गैंग का बदमाश। शामली में पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट, 2 फरार बदमाशों के देखते ही गोली चलाई, क्रॉस फायरिंग में पैर में लगी गोली, हार सेंटर रेफर। नोएडा में पुलिस ने किया एनकाउंटर, 5 बदमाशों को गिरफ्तार, 1 को लगी गोली, 3 लाख की लूट। भदोही में शिक्षक के घर चोरी, घर की खिड़की तोड़कर घुसे थे चोर, नकदी और जेवर लेकर फरार। मैनपुरी में शादी के नाम पर 2,10,000 की ठगी, दलालों के पैसे लेने पर दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। फरुखाबाद में ठेकेदारों की सेव में लगे पालिका के ट्रैक्टर, लोगों को पानी सप्लाई के लिए नगर पालिका ने 50 लाख में खरीदे थे 12 ट्रैक्टर। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सहायक का रुपए गिनते वीडियो वायरल, रिश्वत लेने का आरोप, सीएमओ ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की। बदायूं में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, एसपी सिटी संघ पुलिस ने देर शाम लिया हालत का जायजा। ज्ञानवापी में पूरा तात्विक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की मांग पे एसपी वकील बोले, श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का आर्डर आते ही देंगे। अंबेडकर नगर में 60 करोड़ की लागत से बने 12 हॉस्पिटल कराए गए, भवन में चले रहे हैं 121 स्वास्थ्य उपकेंद्र। आरपीएफ ने 3 किन्नरों को किया गिरफ्तार, ट्रेन में अश्लील फवतियां, कष्ट यात्रियों को कर रहे थे परेशान। मऊ में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, शव को कुत्तों ने नोचा, 5 घंटे बाद पुलिस पहुंची, नहीं हो सकी शिनाख्त। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तीर्थ पुरोहित, शारदा पीठम में पूजा की मांग, अनुमति, माटन तीर्थ पर पुरोहित ने की बैठक। शाहजहांपुर में दबंगों ने किया मारपीट, किसी बात पर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद, बंधक बनाकर मारा। युवक की हत्या को तेजाब से जलाया, मुरादाबाद में एवीएम वेयरहाउस के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह बूथों अध्यक्षों से मिले, रामपुर में कहा कि हर वर्ग हर जरूरतमंद के लिए बनाई योजना। विदेशियों के लैपटॉप में वायरस, 170 करोड़ ठगे, नोएडा में खोला गया फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर। गाजियाबाद में नरसिंहानंद गिरी पर एफआईआर, महात्मा गांधी पर की विवादित टिप्पणी, चरित्र पर भी उठाए सवाल। प्रयागराज में सामान का पैसा मांगने पर बम फेंका, 2 युवक जख्मी, 12 की संख्या में बाइक से आए थे हमलावर। बस्ती में इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत, सड़क हादसे में 3 दोस्त हुए थे घायल, सड़क किनारे डीसीएम में मारी थी टक्कर। कानपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश, बिल्लौर में युवक पर दूसरे समुदाय के लोगों ने किया जानलेवा हमला, गांव में पीएसी तैनात। मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश, 1 लाइसेंस पर 8 हथियार खरीदकर घिरे अब्बास। हाथरस में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से की लूट, 2 बाइक पर सवार हुए बदमाशों ने तमंचों का बट मारकर किया घायल। ललितपुर में पार्षद की संपत्ति कुर करने का पहुंचा प्रशासन,
परिजनों ने किया विरोध, महिलाएं बोली अगर पैलेस में ताला लगाया तो कर देंगे आत्महत्या। बरेली में गंगा की रेत से बनाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मॉडल, उड़ीसा की टीम ने 72 घंटे में तैयार किया लगे 22 ट्रक रेत। अलीगढ़ में एमयू कैंपस में छात्रा से मोबाइल छीनकर भागे लुटेरे, यूनिवर्सिटी प्रोटोलियम टीम के पंजे बाइक सवार लुटेरे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, आधा अधूरे एक्सप्रेसवे को हड़बड़ी में शुरू कर रहे हैं। फतेहपुर में रिश्ते हुए संसार, पिता पर लगा बेटी के बलात्कार का आरोप, मौके से पिता फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के अवैध मर्सों पर हो रही है कार्रवाई, प्रशासन ने गठित की टीम, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। हरदोई में आंगन में थूकने पे हुआ बवाल, चलने लगी लाठी डंडे, मारपीट में 13 घायल। प्रतापगढ़ में चाउमीन और खाने से 70 बच्चे फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में महिला ने एसएसपी ऑफिस पर कांटा, हंगामा, महिला पर लगाया फर्जी एससी एसटी का मुकदमा लगाने का आरोप। स्टेशन पर नमाज पढ़ने को लेकर जीआरपी पुलिस ने मुलाकात करेंगे शिशिर चतुर्वेदी, कहा अवैध जमीनों पर बनी मजार जमीनों को मुक्त कराने का प्रयास। अलीगढ़ में रेत रफ्तार ट्रैक्टर साइकिल सवार छात्रों को रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, उपचार के दौरान हुई मौत। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो चालक का घर से मिला शव, पिता ने बहू व भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप। कब खत्म होगा अपराध, आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर महिला की चैन लूटकर फरार हो गए बदमाश, पीड़िता की हालात गंभीर। ड्यूटी पर तनाव, जवान की हार्ट अटैक से मौत, शव आते ही परिवार में परसा मातम, जवानों ने गांव आकर दी सलामी। अलीगढ़ के तलसापुर खुर्द में हुआ सामूहिक विवाह का सम्मेलन, हिंदू मुस्लिम एकता सामूहिक विवाह सम्मेलन, 16 बेटियों का हुआ कन्यादान। हरदोई में सुसाइड नोट में लिखा सावन में महाकाल के यहां जाना चाहिए, और सीरिया कट्टर से काट ली गर्दन। आगरा में जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने किया बाजार बंद, बढ़ते जीएसटी के दामों को लेकर व्यापारी में रोष, एक दिन की हड़ताल पर पहुंचे सभी व्यापारी। अमेठी में शिवरतनगंज थाने में तैनात 58 वर्षीय दीवान की हुई मौत, सूचना पर पहुंचे सीओ मृतक, पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। बुंदेलखंड में बाइक सवार से चैन स्नेकी, बिना नंबर के अपाचे बाइक सवार दो युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। कानपुर में गुंडों ने घर से घुसकर युवती को अपहरण किया, विरोध करने पर तमंचा के बल से युवती को मां को किया लहूलुहान। विधायक के करीबी थे गुंडई पर पुलिस का वार, सिपाहियों की अभद्रता का छीना था मोबाइल, विधायक सिफारिश करते एसएसपी से नजर आए। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी। लखीमपुर खीरी में एसपी संजीव सुमन ने कई थानेदारों को किया इधर से उधर, प्रभारी निरीक्षक खीरी प्रमोद मिश्रा को भेजा कोतवाली पलिया। लुल्लू मॉल के बाद अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर युवक ने पढ़ी नमाज। श्रीवस्ती में एक बार फिर हुई शिक्षकों की भारी कमी, जिले में 37 शिक्षकों का गैर जनपद में हुआ ट्रांसफर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। लखनऊ में दहेज उत्पीड़न की भेंट चढ़ी महिला, परिजनों का आरोप दहेज के लिए बेटी की हुई हत्या, 8 साल पहले हुआ था विवाह। संभल में सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान ने बदतमीजी कर थाना प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय के आदेश पर हुआ एफआईआर। कौशाम्बी में कोतवाली की छत पर कूदकर भागा बदमाश, 6 दिन पहले चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था युवक। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों ने की कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा, हरिद्वार में गंगा जल को लेकर आ रहे थे श्रद्धालु, कांवड़ियों के स्वागत में जुटे मुस्लिम। हत्या के 4 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली, बोरी में मिला मासूम युवक का शव। मैनपुरी में स्वयं सहायता समूहों में रार, एक ने दूसरे पर घोटाले का लगाया आरोप, दूसरे ने प्लांट शिफ्ट करवाने को षड्यंत्र बताया। आज गुरुकुल एटा के
अधिष्ठान आचार्य का निधन, पूरे प्रदेश में शोक की लहर। गुरुवार को आचार्य देवराज शास्त्री के शिष्यों का लगा जमावड़ा। यूपी को मिला छठा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, बोले वोट के लिए देश में मुफ्त रेवड़ी बांटने का कल्चर खत्म। बागपत में मिले खेल खेल में की गई 4-6 साल के बच्ची की जान। झूला झूलते वक्त गले में रस्सी फांसने के से घुटा ददम। हादसे के वक्त नौकर की मां थी मजबूत। काशी के महाराज सहित 8 को नोटिस जारी। तालाब की जमीन काशी विद्यापीठ की पट्टा करने की आरोप। एसडीएम ने कोर्ट में दाखिल किया केस। गोंडा के छिबरा मुंह में मंदिर में मिला गाय का सर कटा सर। हिंदू संगठनों ने किया रोड जाम, लोगों का समझाने में लगे एसडीएम। गांव में पुलिस तैनात। कुशीनगर में कांग्रेस ने बुलाई चुनावी बैठक। आगामी नगर पालिका के चुनाव को लेकर बनाई रणनीति, मजबूती से लड़ने की अपील। झांसी में तेजाब पिलाकर महिला के साथ हत्या। 4 साल पहले हुआ था निकाह। पति सास समेत 7 ससुराल वालियों पर दर्ज हत्या का आरोप। लखनऊ में लल्लू माल के बाहर हंगामा। नमाज के विरोध में कड़ी सेना। हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंची पुलिस ने खदेड़ा 6 हिरासत में। महोबा में पत्नी की गला काटकर हत्या, खुद जान दी। महोबा में हसीये से पत्नी को काटा, 4 साल पहले बच्ची को मार डाला था। अयोध्या में 2 युवकों की मौत, ट्रेन से कटकर 1 युवक की मौत, दूसरे का खून से। अम्बेडकर नगर में जमीन पर कब्जे को लेकर धरना। खतौनी की जमीन पर कब्जे का आरोप, 5 दिन से धरना जारी। दरगाह पर रात को हुए बवाल में वीडियो आया सामने। आगरा से बजरंग दल नेता को चाकुओं से किया लहूलुहान, गद्दी नशीन पर भड़के थे हिंदू व्यापारी। नोएडा में युवक को पीटकर सीसीटीवी कैमरे का वीडियो सामने आया। किराए का मकान दिलाने से मिले थे कमीशन को लेकर विवाद, 3 को हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद में कांग्रेसियों ने पुलिस से झड़प। एएमयू के लिए 100 करोड़ मांगने पहुंचे थे कलेक्ट्रेट, डीएम से मिलने की जिद पर पुलिस से भिड़े। घर में अकेली युवती से गैंगरेप की कोशिश, 3 युवकों ने अश्लील हरकतें, शोर मचाने पर फरार हो गए आरोपी। बस्ती में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 3 युवकों की हालत गंभीर, 2 मेडिकल कॉलेज रेफर, रागी ने पहुंचा अस्पताल। फिलहाल जिले की 75 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।